हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु टेक स्टडी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर ऑल एग्जाम्स वाली वीडियो सीरीज को देखिए, जिससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी अंक गणितीय योग्यता का टॉपिक प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। इसमें हम कवर करने वाले हैं ट्रेन या रेलगाड़ी से रिलेटेड मैथ की प्रॉब्लम को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम पहले डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट्स और कुछ फार्मूले और उसके बाद सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के कॉन्सेप्ट से। तो अगर देखिए, अगर इसमें जो है ट्रेन होगी, ठीक है, ट्रेन जा रही होगी, कोई पर्सन होगा या ट्री होगा, ठीक है, कोई पर्सन ट्री या जो है अदर जो है ट्रेन होगी, कोई अदर ट्रेन है रुकी हुई है या चल रही है, ठीक है, पर्सन कोई रुका हुआ है या चल रहा है, तो इस तरह के भी जो है उसके साथ जो है रिस्पेक्ट में अदर ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर कोई ट्रेन चल रही हो या एक ट्रेन के रिस्पेक्ट में कोई पर्सन चल रहा हो, कोई व्यक्ति चल रहा हो, ठीक है, या कोई कार जा रही हो उसी स्पीड में, ठीक है, या दूसरी ट्रेन में कोई व्यक्ति बैठा हो, तो एक ट्रेन के रिस्पेक्ट में दूसरे ट्रेन से तुलना करके जो है वहां पे एक दूसरे की स्पीड या फिर कुछ भी इसमें क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो उसको कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी जो है जो वस्तुएं किसी अन्य वस्तु को पार कर, जैसे कोई ट्रेन है किसी अन्य ट्रेन को पार कर रही है, तो उस ट्रेन को हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट वन। जो ट्रेन पार कर रही है अन्य ट्रेन को, तो उसे क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट वन, पहला ऑब्जेक्ट लेंगे, समझ में आया। और अगर जो है जो वस्तुएं अन्य वस्तुओं द्वारा पार की जाती हैं, जैसे कि कोई ट्री हो गया या फिर कोई पर्सन हो गया या फिर कोई प्लेटफार्म हो गया या फिर अदर ट्रेन हो गई, अगर ये सारी वस्तुएं जो है किसी अन्य ट्रेन या फिर किसी कार या फिर किसी चीजों द्वारा जो है पार की जाए, तो जो जिन चीजों को पार किया जा रहा है वो किसमें आएंगे, ऑब्जेक्ट नंबर टू में, इसको ऑब्जेक्ट टू लेंगे, ठीक है। अगर तीसरा कॉन्सेप्ट ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई खंभा हो या पोल हो, ठीक है, या पर्सन हो या कोई ट्री हो, यानी खंभा हो चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे कोई पेड़ पौधे हो, ठीक है, अगर इसको कोई ट्रेन या फिर कोई चीज जो है रेलगाड़ी पार कर रही है इसको किसी स्पीड से, तो इन चीज की लेंथ जो हम कंसीडर करेंगे उसको जीरो करेंगे, ठीक है, यानी पोल पर्सन और ट्री की जो लेंथ होगी लंबाई होगी इनकी जीरो हम कंसीडर करेंगे इस आने वाले क्वेश्चंस में। अगर हम बात करें स्पीड को, तो इन सारे क्वेश्चंस में जो फार्मूले हम बताएंगे स्पीड को हम एस से डिनोट करेंगे, किससे, एस से डिनोट करेंगे, या फिर ये किलोमीटर पर हावर में होंगी या मीटर पर सेकेंड में होंगे, ठीक है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा हम मीटर में कंसीडर करेंगे, इसमें कहीं कहीं किलोमीटर भी हो सकता है लेंथ में जो है डिस्टेंस वगैरह कवर करने के लिए, ठीक है। और टाइम जो है, टाइम टेकन जो है वो होगा हावर में या मिनट में या सेकेंड्स में, कुछ में भी हो सकता है ये। तो हम बात करते हैं स्पीड की, अगर देखिए अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वहां पे स्पीड हम क्या लेंगे, एस वन लेंगे, ठीक है। अगर जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, कई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है या फिर वो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड एस वन, उसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या ले लेंगे, एस टू ले लेंगे, ठीक है। जैसे कोई ट्रेन, दो ट्रेनें चल रही हैं एक साथ, ठीक है, तो एक ट्रेन की स्पीड हम क्या ले लेंगे, एस वन, और दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या ले लेंगे, एस टू। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जो है अगर एक साथ कई जो है चीजें दे दी गई हो, चाहे वो ट्रेन ही हो, ठीक है, दो ट्रेन हो उनकी लेंथ दे दी गई हो, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या लेंगे, यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट की लेंथ L1 और दूसरे ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या लेंगे, L2, इस तरह से। और समय हमेशा एक ही रहेगा, सिंपल समय रहेगा, ठीक है, किसी चीज को पार करने में लगा समय, ठीक है, मैक्सिमम यही पूछा जाएगा कि ट्रेन जो है कितने समय में प्लेटफार्म को पार करेगी, कितने समय में पोल को पार कर रही है, किसी कितने समय में व्यक्ति को पार करेगी, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ फार्मूले को डिस्कस करते हैं और समझते हैं आगे आने वाले प्रॉब्लम्स को। यहाँ पे हम पहले बात करेंगे रिलेटिव स्पीड की, रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति। यदि देखिए इसमें अगर ट्रेन या फिर कोई पर्सन, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ इनकी स्पीड होगी। तो अगर मान लें अगर ए जो है, अगर कोई एक ट्रेन है जो एस वन स्पीड से चल रही थी और दूसरी ट्रेन उसके पीछे आ रही है एस टू स्पीड से, अगर एस वन अगर पूछा जाए कि इनकी जो स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड की बात की जाए, अगर जो ज्यादा स्पीड होगी उसमें से कम वाले स्पीड को घटा देंगे, अगर एक ही डायरेक्शन में वो दो ट्रेनें या फिर दो व्यक्ति जा रहे हो, तो क्या करेंगे,
उनके जो है स्पीड को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, उसके स्पीड को क्या करेंगे, घटा देंगे। सपोज जो है यहाँ पे ये जो है कोई ए ट्रेन है, ठीक है, और कोई दूसरी ट्रेन है, और दो ट्रेन एक ही दिशा में गति कर रही हैं, तो पहले ट्रेन की स्पीड अगर S1 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या है, S2 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे जो है रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, यहाँ पे जो जो ज्यादा होगा, सपोज मैं मान लेता हूँ S2 का स्पीड ज्यादा थी, तो S2 माइनस S1 किलोमीटर पर आवर, और ठीक है S1 माइनस S2 किलोमीटर पर आवर, किसी तरह से जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको इसी तरह से घटा लेंगे। समझ में आया? अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो, तो अगर वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हो, अगर देखिए एक आगे की तरफ जा रही है और एक सामने से आके उसके पीछे की तरफ ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा कि ये दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर मान लेते हैं इसकी स्पीड जो पहली वाली ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है S1 किलोमीटर पर आवर है, और बी वाली जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या है S2 किलोमीटर पर आवर, अगर इनकी जो है रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष गति की बात की जाए, तो इनकी जो सापेक्ष गति हम लेंगे उसे क्या लेंगे, S1 प्लस S2, अगर ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो। ठीक है, ये सारे किसमें होंगे, किलोमीटर पर हावर्स में, ठीक है, किलोमीटर पर हावर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पे पहला पॉइंट यहाँ पे है स्टूडेंट्स, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करे, ठीक है, हमने पहले ही बताया था कि व्यक्ति की जो लेंथ होगी वो 0, तो L1 जो है यहाँ पे ट्रेन की लेंथ है, यहाँ पे क्या है ट्रेन की लेंथ है, ठीक है, ट्रेन की लेंथ है यहाँ पे, यानी ट्रेन की लंबाई है। S1 क्या है, ट्रेन की स्पीड ही होगी, ठीक है, इस ट्रेन की क्या है ये स्पीड है ये, और टी जो है समय लगा है, ठीक है। तो जब कोई ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो S1 इज इक्वल टू L अपॉन T, मतलब जो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, या डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पता होगा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे जो है हम स्पीड इज इक्वल टू क्या करेंगे, लेंथ अपॉन टाइम, यहाँ पे लेंथ लंबाई को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, लेंथ अपॉन टाइम भी लेंगे या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस के, तो वही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। थोड़ा सा जो है इसमें ट्रिकी है कि ट्रेन और दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगी या दूसरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपको तो समझ में आया होगा, यदि जो है जब ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी, तो S1 इज इक्वल टू L1 अपॉन T, ठीक है, क्या है इस कंडीशन में, व्यक्ति जो है यहाँ पे व्यक्ति की स्पीड S2 बराबर यहाँ 0 है, और L2 बराबर यहाँ पे हमेशा व्यक्ति की जो लेंथ लेंगे हमेशा 0 लेंगे, ठीक है, जो कोई पर्सन होगा उसकी लेंथ क्या होगी, हमेशा 0 होगी, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, जब कोई ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को जो है क्रॉस करती है, जब वो क्या है उसी दिशा में कुछ स्पीड से जा रहा हो, ठीक है, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी, जब क्या करेगा वो जो है पर्सन मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में, सपोज जो है ट्रेन की स्पीड S1 है और व्यक्ति की स्पीड क्या है S2 है, ठीक है, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस करेगी, ये सारी चीजें इसमें से निकाल सकते हैं। तो अगर बात करें इनका जो है फार्मूले की, तो अगर इनकी स्पीड को हम घटा दें, क्योंकि एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड को हमने क्या किया है, घटाया है, और L1 अपॉन T, L1 क्या है रेलगाड़ी की लंबाई है, T जो है उस व्यक्ति को क्रॉस करने में लिया गया समय है, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो स्पीड होगी उसी में स्पीड्स को घटाएंगे, अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो स्पीड को जोड़ेंगे। तो चलिए आगे, ये जो है फार्मूला आपको नोट कर लेना है, लेंथ हमेशा व्यक्ति की क्या होगी, व्यक्ति हो चाहे पोल हो चाहे कोई भी ट्री हो, ठीक है, यानी व्यक्ति हो कोई या फिर खंभा हो या फिर कोई पेड़ हो, तो उसका जो लेंथ होगी यहाँ पे 0 होने वाली है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है चीज। तीसरा पॉइंट है, जब चलती हुई ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को क्रॉस करे, ठीक है, मतलब क्या है S1 ट्रेन इधर जा रही थी और व्यक्ति क्या है इधर की ओर आ रहा है, ठीक है, S2 वेग से, तो यहाँ पे जब ट्रेन जो है इसकी लेंथ होगी L1 और व्यक्ति की लेंथ क्या है L2 बराबर 0 होगी, क्यों होगी, क्योंकि तो हमेशा यहाँ पे 0 लेते हैं व्यक्ति की लेंथ को, ठीक है, यहाँ पे अगर जा रही है विपरीत दिशा में ट्रेन और ट्रेन जो है व्यक्ति के विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे क्या निकल के आने वाला है, S1 प्लस S2 इक्वल टू L1 अपॉन T, क्योंकि यहाँ पे जो है स्पीड जो है विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड को हम क्या करेंगे एड कर देंगे, क्या कर देंगे एड कर देंगे, सेम डायरेक्शन में जाने पर सब्ट्रैक्ट और ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर स्पीड को एड करते हैं। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, जब कोई चलती हुई ट्रेन किसी प्लेटफार्म या पुल को क्रॉस करे, ठीक है, जैसे कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, अब कोई प्लेटफार्म या पुल है, ठीक है, उसकी लेंथ को हम कंसीडर करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि वो जो है उसकी लेंथ होगी कुछ मीटर्स में, 150 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कुछ भी हो सकती है यहाँ पे प्लेटफार्म या पुल की लंबाई। तो अगर कोई चीज ट्रेन जो है चलती चल रही है, तो वहां पे जो प्लेटफार्म है या पुल है, तो वो तो है एकदम स्टेबल, तो वो उसका जो है स्पीड तो 0 होगी, तो इसी तरह से इसको S2 बराबर 0 हम दे दिया, ट्रेन की स्पीड है S1, S1 इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, L1 क्या है यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई है, प्लस L2 क्या है यहाँ पे
प्लेटफार्म की लंबाई है, अपॉन टी जो है लिया गया समय। तो इसमें जो भी चीज पूछेगा यहाँ से इस फार्मूले से निकाल के रख देंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट है, जब एक चलती ट्रेन किसी रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस करे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात करने वाले हैं, जब कोई एक ट्रेन चल रही है, अगर वो जो है कोई रुकी हुई ट्रेन को क्रॉस करती है, तो रुकी हुई ट्रेन की भी कोई कुछ ना कुछ लेंथ होगी यहाँ पे, और चलती हुई ट्रेन की स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। सॉरी, चलती हुई ट्रेन की स्पीड S1 होगी। चलती हुई ट्रेन की स्पीड S1 बराबर कुछ भी हो सकती है, और रुकी हुई ट्रेन की स्पीड जीरो होगी, तो इसको जीरो हमेशा रखेंगे। तो S2 इक्वल टू जीरो रख दिया, तो S1 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, L1 + L2 अपॉन T। L1 क्या है, यहाँ पे पहली जो चलती हुई रेलगाड़ी की लंबाई है, और प्लस L2 क्या है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है जो रुकी हुई है, अपॉन T क्या है, लिया गया समय उसको पार करने में, ठीक है। तो इस फार्मूले से जो है निकाल लेंगे हम समय, या फिर कोई भी चीज जहां से पूछा जो वो निकाल लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, जब एक चलती ट्रेन किसी एक ही दिशा में दूसरी चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करे, ठीक है। जब एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में जा रही है, इनकी स्पीड है पहली वाली ट्रेन की स्पीड S1 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 किलोमीटर है, दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो है ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस करती है, तो यहाँ पे उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, S1 - S2। तो स्पीड इक्वल टू होता है लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लेंथ जो है पहली रेलगाड़ी की कुछ होगी, और दूसरी भी ट्रेन की जो है कुछ ना कुछ लेंथ होगी, यहाँ पे अपॉन टी कर देंगे। तो इस तरह से जो है हम वहां पे समय या फिर कोई स्पीड या फिर लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, यहाँ पे जब एक चलती ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, जब एक जो है ट्रेन चल रही है तो उसी दिशा में दूसरी ट्रेन उसे विपरीत से आ रही है, ठीक है। तो उसको क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, या फिर कुछ भी पूछ दे, तो यहाँ पे फार्मूला जो अप्लाई होगा, यहाँ पे क्या है S1 और S2 क्या है, यहाँ पे S1 जो है पहली ट्रेन की स्पीड है, और S2 क्या है दूसरी ट्रेन की स्पीड जो उसके विपरीत में आ रही है, ठीक है। इन दोनों की जो है स्पीड को हम ऐड करेंगे, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और L1 क्या है पहली रेलगाड़ी की लेंथ, और L2 क्या है दूसरी रेलगाड़ी की लेंथ अपॉन टी। ध्यान रखना है हमें लेंथ को कभी घटाना नहीं है ना ही, ठीक है, हमें ध्यान देना है सिर्फ हमें स्पीड में प्लस माइनस करना है, ठीक है, सिर्फ स्पीड में ही प्लस माइनस करना है, यहाँ लेंथ में माइनस नहीं करना है, हमेशा प्लस ही करना है, समझ में आया। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। अगला पॉइंट है, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को क्रॉस करे, ठीक है। जैसे कि कोई एक ट्रेन है जा रही है कुछ स्पीड से, दूसरी ट्रेन भी कुछ स्पीड से जा रही होगी, ठीक है। तो उसमें कोई भी एक व्यक्ति बैठा होगा, क्या होगा, कोई एक व्यक्ति बैठा होगा। सपोज यहाँ पे कोई एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है। तो ट्रेन अगर कोई जा रही है S1 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और दूसरी ट्रेन में कोई एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, या फिर वो विपरीत दिशा में जा रहा हो, चाहे ट्रेन सेम दिशा में जा रहा हो, ठीक है, एक ही दिशा में जा रहे हो चाहे विपरीत दिशा में जा रहे हो। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं S1 वेग से जो है कोई एक ट्रेन जा रही थी, S2 वेग से क्या है दूसरा एक ट्रेन जा रही थी, कुछ जो है इसमें कोई एक व्यक्ति बैठा था, यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में दूसरी वाली जो रेलगाड़ी जो है जिसमें व्यक्ति बैठ के जा रहा है उसको जीरो करेंगे, ठीक है, उसकी लेंथ क्या करेंगे यहाँ पे जीरो करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति को हम पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति की लेंथ हमेशा जीरो करेंगे, पहली वाली रेलगाड़ी की लेंथ को कंसीडर करेंगे, बाकी जो स्पीड है दोनों ट्रेन की उनको हम कंसीडर करेंगे। अगर जो है एक ही दिशा में जा रही है तो उनको हम ऐड कर देंगे स्पीड को, नहीं सॉरी, अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी स्पीड को हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनकी स्पीड को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। समझ में आया, यहाँ पे देख सकते हैं S1 + S2 = L1/T। चलिए आगे क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो अगला पॉइंट है, जब दो ट्रेनें जो है एक्स और वाई दो बिंदुओं से एक दूसरे की तरफ चलती हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक जो है बिंदु एक्स है और दूसरी बिंदु क्या है वाई है। तो यहाँ पे आप कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक्स बिंदु है और यहाँ पे क्या है वाई बिंदु है। तो यहां से मान लेते हैं ए ट्रेन चल रही है वाई की तरफ, और बी वाली ट्रेन कहाँ चल रही है एक्स की तरफ। तो उनकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, इसकी स्पीड कुछ ना कुछ किलोमीटर पर हावर में होगी पहले ट्रेन की स्पीड, और दूसरे भी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर हावर में होगी। तो यहाँ पे जो रेशियो निकल के आएगा, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन ए अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टू रीच एक्स, टाइम टेकन बाई ट्रेन बी टू रीच एक्स पॉइंट, ठीक है। और टाइम टेकन अपान क्या कर देंगे, टाइम टेकन बाई ट्रेन ए टू रीच पॉइंट वाई, ठीक है। यानी जो पहले ट्रेन की चाल होगी अपान दूसरे ट्रेन की चाल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में जो समय लिया जा रहा है बी द्वारा एक्स तक पहुंचने में, अपान क्या
क्या हो जाएगा वहां पे, जो समय लिया जा रहा है ए द्वारा वाई तक पहुंचने में, समझ में आया। तो ये फार्मूला जो है आपको रिमेम्बर करके रखना है, तो ये जो है सिंपली जो है इससे सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी को प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम को। तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।